मोदी सरकार एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले रही है और ऐसा ही एक बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर किया गया है। अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया है जो कि जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार प्रदान करता था, लेकिन उस अनुच्छेद को अब खत्म कर दिया गया है। जिसके बाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस पर मौजूद हैं बीजेपी के नेता नंद किशोर वर्मा जी। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर जो फैसला लिया गया है, क्या वो फैसला सर सही समय पर लिया गया है, क्योंकि देश पहले ही नोटबंदी, जीएसटी और पाकिस्तान के साथ जो तनाव चल रहा है उन मुद्दों से गुजर रहा है, और ऐसे में ये फैसला, आप क्या मानते हैं कि ये फैसला बिल्कुल सही समय पर लिया गया है? मैं समझता हूँ कि समय की तो भविष्य बताता है कि ठीक टाइम पर लिया नहीं लिया, परंतु आज जो 5 तारीख के बाद जो माहौल है देश में, ये पूरे विश्व में, उससे तो लगता है कि बिल्कुल सही समय पर, सही निशाने पर जो चीज़ लगनी चाहिए थी वो लगी है। और मोदी जी या इससे पूर्ववर्ती हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आज तक भारतीय जनसंघ, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में, हमारे जनता पार्टी क्यों टूटी? 3 मुद्दे थे हमारे। कश्मीर का मुद्दा हमारे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि हमारे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसके लिए बलिदान दिया। हम धारा 370 समाप्त हो उसके लिए अटल जी के समय में भी उतना ही आग्रह था, परंतु कंपल्शन थी 20 पार्टियों का साथ लेके चलने। आज भी हमारी वही घोषित नीति है कि हम, 3 तलाक की बात थी, कॉमन सिविल कोड की बात है, हम आज भी उसके हक में हैं। 3 तलाक सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी मदद मिली और लगातार 3 बार हमने कोशिश की, 3री बार में सफल हो पाए। 370 खुद नेहरू जी ने कहा था कि ये एक टेम्परेरी मेजर है, कश्मीर के लिए कुछ विशेषाधिकार दिए हैं, क्योंकि कश्मीर का जो भौगोलिक आकार, और कश्मीर अपने आप में 3 हिस्से हैं, जम्मू, लद्दाख और कश्मीर। कश्मीर भी जो श्रीनगर के आसपास है वो शुरू से ही पाकिस्तान परस्त लोगों का, या जो एक आज़ाद देश बनाने का स्वप्न देखते थे शेख साहब, कि वो भी सऊदी अरब की तरह मैं एक शेखडम कामिल करूँगा, तो उसमें उनकी एक साजिशें चलती थी। 1990 के आसपास जब वहाँ के जो मूल निवासी थे, जिनको हम कश्मीरी पंडित बोलते हैं, उनका कत्लेआम किया गया, 5 लाख लोग जम्मू और बाकी देश के हिस्सों में शरण ली। उस दिन के बाद मैं तो समझता हूँ कि देरी हुई है, पर देरी इसलिए हुई कि देश का जनमत उसके लिए तैयार नहीं था। आज 2019 के नतीजों ने नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, हमारी पार्टी को इतनी ताकत दी है कि आज हम देश हित में जो निर्णय लगातार पेंडिंग थे, स्थगित हो रहे थे, उनको निर्णय लें। और उसके लिए एक इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी, जो नरेंद्र मोदी जी ने बखूबी पिछले 5 साल में इच्छा शक्ति जहाँ जहाँ आवश्यक थी। इस देश की मूल समस्या क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या, जिसका इस बार 15 अगस्त को बातचीत की गई, बढ़ता हुआ आतंकवाद था, जिसको रोज़ बम ब्लास्ट होते थे, आज पूरे देश में 5 साल से हमें कहीं सुन नहीं रहा। सरकारी खर्चे पर पल रहे आतंकवादियों के सरगना, शबीर शाह, गिलानी विलानी जितने लोग थे, सुरक्षा हमने दे रखी थी, हमारे खर्चे थे, आज वो सब बंद हैं। NIA ने उनके सबके सोर्सेज फंडिंग के बंद किए हैं। और 370 और 35A जो महिलाओं को विशेष तौर पर, कश्मीर की अपनी बच्चियों के सारे हकूक जो अधिकार हैं उनका हनन करते थे, आज वो दोनों समाप्त हो गए। लद्दाख के लोग तो जश्न मना रहे हैं, जम्मू के लोग खुश हैं, कश्मीर के भी, श्रीनगर के आसपास को छोड़ के बाकी सारे सामान्य हालत में एक भी गोली नहीं चली हो। कर्फ्यू लगाए, इंटरनेट बंद किया, वो सारे आवश्यक थे, परंतु पत्थरबाज लोग थे जो रोज़ाना हरकतें करते थे, वो सब शांत हैं। कश्मीर के लोगों के लिए मोदी जी ने लगातार हर साल वहाँ से 20-25 हज़ार बच्चों को पूरा खर्चा दे के देश के विभिन्न भागों में भेज के उनकी पढ़ाई कराई। मेरे यहाँ दिल्ली में 20 बच्चे इस साल भी एडमिट हुए हैं। किस लिए? ताकि वहाँ का बच्चा पढ़ लिख कर मुख्य धारा से जुड़े। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर मोदी जी, अमित शाह जी और पूरी कैबिनेट और उन सभी पार्टियों ने भी अक्रॉस पार्टी लाइन इसका सपोर्ट किया। इवन कांग्रेस का भी एक बहुत बड़ा वर्ग इसके समर्थन में आया। इनके जो मुख्य सचेतक थे आसाम से, कालिता, उन्होंने पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन की। समाजवादी पार्टी के 3-4 MPs ने
भाजपा इसीलिए ज्वाइन की कि उनको लगा कि समाजवादी पार्टी इस विषय पर गंभीर नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुडा से लेकर सिंधिया, सचिन पायलट जितने नौजवान कांग्रेसी थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं, ये सरकार का कदम उचित है। तो आज उचित कदम अगर सारी अक्रॉस पार्टी कह रहे हैं, केवल चंद कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो कहीं नज़र नहीं आते, वो लोग 10-20 लोग खड़ा होकर नारेबाजी कर लें, पूरा देश और विश्व के जितने इस्लामिक कंट्रीज थी, आज भी मोदी जी वहाँ जा रहे हैं तो उनको सबसे बड़ा अवार्ड, जो अरब कंट्रीज में वहाँ का सबसे बड़ा अवार्ड जैसे हमारा भारत रत्न है, आज उनको मिल रहा है। कल बहरीन जाएंगे, बांग्लादेश ने हमारा समर्थन किया, फ्रांस ने किया, अमेरिका ने किया, इंग्लैंड ने किया, आज चीन को छोड़कर पाकिस्तान का कोई समर्थक नहीं निकला है। तो विदेश नीति भी हमारी सफल रही, स्वदेश नीति भी रही, और पूरे देश में शांति है। इस देश के 135 करोड़ लोगों ने मोदी जी के 5 साल के कामों में, खासतौर पर महिलाओं को जो शौचालय मिले, स्वच्छ भारत की बात हुई, सबको गैस का चूल्हा मिल गया, तो उससे मुझे लगता है कि आज मोदी जी ने सही नबज पकड़ ली हिंदुस्तान के लोगों की। वो जिन लोगों को जिन चीज़ों की आवश्यकता थी उनकी पूर्ति हो रही है, सबको मकान 2022 तक का टारगेट है, 150वीं जयंती गांधी जी की, हम गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि स्वच्छ भारत बनाकर दे रहे हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट बने हैं, ओपन डिफिकेशन बंद हो गया है, और लोगों के अंदर एक कल्चर आ गया है। अब 2 अक्टूबर से नो प्लास्टिक का होगा तो हम सबके समझ में आएगा। बच्चे आज मोदी जी की बात को ध्यान से सुनते हैं, हम बड़े लोगों की आदतें खराब हो गई थी तो वो सब ठीक होंगी। देश के अंदर बिजली का उत्पादन बढ़ रहा है, हर घर में बिजली पहुँच गई है, हर गाँव में पहुँच गई है, तो देश एक ठीक राह पर चला है। और आने वाले 5 साल में भारत का भविष्य निश्चित तौर पर उज्ज्वल है। विश्व के आज हम उन राष्ट्रों की गिनती में कि हमारी बिना हमारा साथ लिए पूरे विश्व में शांति की कामना करने वाले लोगों को भी समझ में आ गया है। ट्रंप भी कह रहा है कि भारत का साथ अफगानिस्तान में आतंकवाद को समाप्त करने में भी चाहिए। पूरे विश्व में शांति हो, परिवार भाव पैदा हो, सबको सब चीज़ों की सुलभता से मिले, इसके लिए हम केवल भारत की चिंता नहीं कर रहे हैं, पूरा विश्व हमारी ओर देख रहा है। और आज चीन का जो एक भयानक रूप था, वो हांगकांग में चाहते हुए भी डेमोक्रेसी को ख़त्म नहीं कर पा रहा है, ये 10 दिन से चल रहा है। अदरवाइज थेमिन चौक पे कैसे उन्होंने टैंक लगा के आम जनता को कुचला था। मैं समझता हूँ कि आज उभरता हुआ भारत, बढ़ता हुआ भारत, शक्तिशाली भारत किसी के अहित नहीं करने वाला है, सबका हित की बात करने वाला है। और मोदी जी ने अपने काम से, अपने लगातार 24/7 18 hours a day काम करके हम सबको वो प्रेरणा दे रहे हैं कि सब देश के लिए समर्पित भाव से काम करो। और मैं समझता हूँ कि चाहे नोटबंदी की बात थी, अभी चीज़ें स्कैंडल खुलेंगे, नोटबंदी में कितने लोग डबल नोट छपे हुए थे, चिदम्बरम साहब जो आज 20,000 करोड़ के एसेट्स हैं, लगातार कोर्टों के माध्यम से बच रहे थे, आखिर कोर्टों को भी समझ में आ गया कि इतने बड़े करप्ट आदमी को तो सीबीआई के उस हेडक्वार्टर में अभी उनको गेस्ट हाउस में बेशक रखा हो, जेल में तो हैं आज, और कोई नहीं बचेगा। जितने भ्रष्ट लोग हैं वो सब निश्चित तौर पर जेल जाएंगे, उसके कारण से आर्थिक जगत में दिक्कत है। मंदी की मार भी इसलिए कि जब सख्ती की जाएगी तो करप्ट लोग काम करना बंद कर देते हैं, उसके कारण से दिक्कत आती है। बैंकों से लोन लेने वाले नहीं है क्योंकि पुराना जो लोन था वो वसूल किया जा रहा है। तो थोड़ा सा एक ये कठिन फेज है आर्थिक रूप से, ये भी मुझे लगता है 3-4 महीने में संभल जाएगा। मेरा आपसे यही सवाल था कि आप कह रहे हैं उभरता हुआ भारत, चमकता हुआ भारत, लेकिन जिस तरीके से आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है, रिपोर्ट भी सामने आई है कि भारत जो है वो जीडीपी ग्रोथ के मामले में 7वें पोजीशन पर पहुंच गया है, इससे पहले 5वें स्थान पर था। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है कि जो ये फैसला लिया गया है, क्योंकि नोटबंदी जीएसटी के बाद कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है, और ऐसे में ये फैसला कितना ज़्यादा और ज़्यादा गिरावट दर्ज कर सकता है, या आप इससे असहमत हैं? मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें होनी थी, क्योंकि जब आप करप्शन के ऊपर प्रहार करेंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, भूषण स्टील 75,000 करोड़ रुपए, ऐसा जितने बड़े नाम थे,
कोई 30,000 करोड़ 40,000, तो आखिर उनके ऊपर जब हम सख्ती करेंगे तो बाकी लोग भी डरेंगे। अब कर्जा लेने से डर रहा है ना इंसान, कर्जा नहीं ले रहे तो एक्सपेंड नहीं कर रहे इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री एक्सपेंड नहीं होगी तो थोड़ी मंदी आएगी, तो ये स्वाभाविक है। जब बैंक वाला डर रहा है कि कर्जा गलत हाथ को ना चला जाए, लेने वाला डर रहा है कि वापस कैसे दूंगा, और कानून इतने कठिन बना दिए हैं कि उनका एक बार ये असर होना ही था। नई आदतें डालने में हिंदुस्तानियों को भी वक्त तो लगेगा ना। हम GST के लागू होने से अब लगभग 1,00,000 करोड़ रुपये हर महीने आ रहा है, इच्छा ये है कि 1,25,00,000 करोड़ आ जाए तो दरें और घटा देंगे। परंतु आज ये तो हो गया कि ई वे लागू हो गया है, ई वे बिल, अगले साल से ई बिल लागू हो जाएगा, तो ये जो करप्शन की अभी भी मुझे लगता है 25-30% लोग अभी भी बदमाशी जो करते हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे तो ग्रोथ आएगी। ग्रोथ डिपेंडेंट करती है कई फैक्टर्स पे, ठीक समय पे बारिश हो जाए, सूखा ना पड़े, बाढ़ कम से कम आए, ये सब इस साल बेसिकली मोर और लेस बारिश ज़्यादा आने के बावजूद मानसून का ठीक ठाक माना जाए इतने बड़े देश में। तो आज हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं, चंद्रयान 7 तारीख को ठीक ठाक वहाँ उतर जाएगा, तो एक बहुत बड़ा इसके कारण से जो मौसम के ऊपर हमारी भविष्यवाणी और स्टीक होंगी। गाड़ियाँ कम बिक रही हैं, मंदा नज़र आ रहा है, पर गाड़ियाँ कम बिकना देश हित में भी है। सड़कों पर जगह नहीं, पार्किंग की जगह नहीं, आखिर 1,25,00,000 मोटरसाइकिल हर साल बने और हर साल प्रोडक्शन बढ़े तो कब तक बढ़ेगी? सेचुरेशन पॉइंट आना था। जैसे चैनल हैं, अगर 400 खुल गए तो बंद होना शुरू होने ही थे। तो इसके लिए मैं इसको, ये टेम्परेरी फेज होता है, रीएडजस्टमेंट होते हैं इकोनॉमी में, वो है, परंतु ओवरऑल इस देश में क्षमताएं हैं, क्षमताओं का उपयोग बढ़ना चाहिए। नौजवान को ये भरोसा होना चाहिए कि मैं अपने देश के लिए काम कर रहा हूँ, ईमानदारी से काम करूँगा तो सरकार शाबाशी देगी। कोई मोदी जी ने 15 अगस्त के भाषण में इन सब चीज़ों का संज्ञान लिया है, और मुझे लगता है कि 31 अगस्त तक ये जो आर्थिक मंदी के कारण थे, सख्ती क्या की आपने, टैक्स लगा दिया, कैपिटल गेन लगा दिया, ऊपर से FPI पे वो लगा दिया, FPI से फॉरेन जो इन्वेस्टर था वो विड्रॉ कर गया। तो आज मुझे लगता है आज ही शायद कोई घोषणा होने वाली है, क्योंकि एक टाइम में आप सब फ्रंट पे लड़ाई करेंगे तो कई बार चूक हो जाती है। आखिर इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में इतने बड़े बड़े वो जो शार्क पैदा हो गए हैं जो 10,000-20,000 करोड़ की गड़बड़ करते थे, कोई भागता था तो मोदी जी पकड़ क्यों नहीं पाए? अब भागने नहीं दे रहे ना किसी को। नरेश गोयल भागना चाह रहा था, नहीं जा पाया। NDTV के मालिक पति पत्नी जाना चाह रहे थे पिछले हफ्ते, एयरपोर्ट पे रोक लिए गए। चिदंबरम साहब भागना चाह रहे थे तो नहीं भागने दिए। तो बड़े लोगों को जब रोकेंगे तो मंदा आया करता है, घबराहट भी होती है, और घबराहट होनी जरूरी है ताकि फिर इसके बाद नए, जब फिजिक्स का मैं विद्यार्थी रहा हूँ, डिसऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उतनी जल्दी ऑर्डर आएगा और वो बड़ा स्मूथ आएगा। तो ये क्रांति है, ये ऐसी क्रांति जो महसूस नहीं हो रही, ब्लडलेस क्रांति। इसमें भ्रष्टाचारियों पे भी चोट है, आतंकवादियों पे भी चोट है, और देश की एकता, जातिवाद खत्म हो रहा है और एकता बढ़ रही है। पहले ये चुनाव है जिसमें जाति की बात नहीं कर रहे, किसी ने सुनी किसी के मुँह से ये यादव है, ये है, इसको सब ने वोट दिया, काम पे दिया, सब देश के लिए खड़े हुए, सब देश में खड़े हुए, भाषाओं से ऊपर उठ के। थोड़ा दक्षिण भारत में अभी तमिलनाडु तक वो असर जाना है, मुझे लगता है कि वो 4-6 महीने में रजनीकांत जैसे लोग जो थोड़ा खुल के जब सामने आएंगे तो पूरा देश एक होकर आगे बढ़ेगा। दक्षिण भारत के लोग वैज्ञानिक रूप से, शिवन जितने भी चंद्रयान हैं, अपनी जितनी महिलाएँ उसमें, सारी दक्षिण भारत की, तो कोई किसी से कम नहीं है, सब मिल के काम करें तो हम अमेरिका से, चीन से बहुत आगे निकल सकते हैं और निकलेंगे, इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैं बात रोजगार की भी करूंगी, क्योंकि सरकार ने वादा किया था कि वो रोजगार युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा देगी, और जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें 2017 से 18 के बीच जो रोजगार देने की जो आंकड़े थे उससे उसमें लगभग 2% की कमी इस साल आई है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि पार्ले हो, मारुति सुजुकी हो, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है, नौकरियों से निकाल रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है कि अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर लोग कैसे जिएंगे? रोजगार के प्रकार बदलते रहते हैं। जब हम कभी बच्चे थे तो बूढ़ों से सुनते थे उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नौकरी को सबसे निखद मानते थे, भीख के समान। आज क्या हो गया?
रोजगार का अर्थ केवल आप सब युवाओं के नौकरी रह गया। हम अपना स्वयं काम करने वाला हिंदुस्तान में यदि आज 25 करोड़ परिवार हैं, तो 25 करोड़ परिवार वालों में ये सो काल नौकरियां सरकारी गैर सरकारी मिला भी लें तो ये 5-6 करोड़। बाकी सब लोग अपना काम करते हैं, खेती करते हैं, छोटा मोटा व्यापार करते हैं, आज फिर से उस तरफ जा रहे हैं। मारुति की कारें कम बिकेंगी क्योंकि ओला और उबेर आ गए, तो वो 4 कार के बदले 1 कार से काम चल रहा है। हम फ़ोन करते तुरंत आती, जहाँ जाना पहुँचा देती। तो अफोर्डेबिलिटी आ गई है, गाड़ी अपनी मेंटेन करने से किराया हमेशा सस्ता पड़ रहा है, तो आपको चेंज ओवर आ रहा है, चेंज आएगा स्वाभाविक है। अगर आप अपनी गाड़ी चलाएं, टेंशन में रहें, ट्रैफिक जाम में फंसें, पार्किंग में शाम तक 200 रुपये देने पड़े, तो आप 200 रुपये किराया उबेर वाले को देना पसंद करेंगे? तो ये सब परिवर्तन। खेती के लिए वहीं पर रोजगार मिले, गांधी जी का सपना क्या था, कुटीर उद्योग बढ़े, एक मशीन लगा के 500 लोगों को बेरोजगार करें, रोबोट्स आए, मेट्रो रेल ऐसी लाएंगे जिसमें ड्राइवर लेस हो। क्यों भाई, इस देश में लोगों की कमी है क्या? हमारी सोच में परिवर्तन होना चाहिए, हम अमेरिका की नकल ना करें। गाड़ी बिना ड्राइवर वाली गाड़ी चाहिए, क्यों चाहिए आपको? आपके तो 2 ड्राइवर ले लो, मिल रहे हैं मार्केट में। तो वो सोच बदल रही है, बदलनी चाहिए। और वो सोच को बदलने के लिए मोदी जी लगे हुए कि सबको रोजगार पैदा करने वाले लोग चाहिए। हम इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, नौकरियां खूब मिल रही हैं, परंतु नौकरी देने वाले बनाने वाले तो कौन तैयार करेगा? स्टार्टअप करने के लिए, नई नई सोच के लिए, आखिर ये आपने जिसने शुरू किया, कितने लोग, 8-10 लोगों को मिल गया होगा ना रोजगार? दूरदर्शन तो नहीं दे सकता सब, तो रोजगार नए वो रास्ते निकलेंगे। पहले लोग हर चीज़ स्वयं बनाते थे, सावन के महीने में सेवियाँ बनाती थी मेरी माताएं बहनें, जो ही बोलते थे हम, आज कोई बनाता नज़र आ रहा है आपको? क्यों नहीं बनाना चाहिए? घर घर में लिफाफा बनता था, छोटा मोटा रोजगार करते थे, खा के लिफाफा, ये लिफाफा। हम प्लास्टिक में चले गए जिससे धरती माता खराब हो गई, फिर से वापिस आए ना, आना पड़ेगा। पर्यावरण के अनुकूल काम करने पड़ेंगे, संतुलन पैदा करना पड़ेगा। सब एसी लगा लेंगे, घर तो अंदर ठंडा हो गया, बाहर उसकी गर्म हवाएं आ गई, अब कौन समझाएगा? ये हम ही समझाना पड़ेगा। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, हवा को शुद्ध रखो। तो ये केवल प्रगति महलों से नहीं बनने वाली, और केवल नौकरियों से काम नहीं चलने वाला। मारुति कितने लोगों को रोजगार दे रखा होगा अभी, एट दी मोस्ट मारुति का सारा भी लगा ले 50,000 लोगों को, डीलर व्हीलर रिपेयर वाले गिन लें, कितने लोग हो जाएंगे? 10 लाख हो जाएंगे। तो केवल मारुति के भरोसे तो देश नहीं चल सकता। या पार्ले की बजाय छोटी फैक्ट्रियाँ कितनी आ गई, पहले मोनोपोली थी ब्रिटेनिया की पार्ले की, ये न्यूज़ में दिखा देते हैं आपको, पार्ले वाले की सेल घट गई, ओवरऑल तो नहीं घटी। कितना इंदौर वालों का नमकीन बिक रहा है, जगह जगह नमकीन के नए नए ब्रांड आ रहे हैं, वो जगह रिप्लेस कर रहे हैं। हल्दीराम आज उनके बराबरी कर रहा है, कभी हल्दीराम सुना था 40 साल पहले, बीकानेर वाला सुना था, आज कितने आउटलेट हैं। ये परिवर्तन है, परिवर्तन होगा। स्टैटिक कभी चीज़ें नहीं रहा करती, परिवर्तन होगा तो कुछ चीज़ें खत्म होंगी, कुछ नई आएंगी, नए बिजनेस आएंगे। कभी PCO बहुत बड़ा काम था, पब्लिक कॉल ऑफ, आज हैं कहीं? सेलुलर ने सबको ख़त्म कर दिया, सारे सेलुलर कंपनियाँ घाटे में हैं, चीप देंगे, फ्री देंगे, ये देंगे वो देंगे। हम नकल कर रहे हैं अमेरिका की, वो नहीं करनी चाहिए। भारत को भारत बनाएं, इंडिया ना बनाएं ज़्यादा। यहाँ अपने आप में कम खर्चे का जीवन जीने वाले हिंदुस्तानी थे हम। आज शरीर में खाने का खर्चा कम है जितना हम अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए बाल रंगने से लेके शेविंग से लेकर और क्रीम पाउडर पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं, वो खर्चे बढ़ गए। तो इसलिए भारत के अंदर ट्रेडिशनल भारत जो था, उसकी जो गलत चीज़ें हैं, जातिवाद है, छुआछूती, वो ख़त्म हो गई, होनी चाहिए। परंतु इस देश में भी बहुत कुछ होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम होना है। रेलवे की स्पीड हमारी एवरेज 25 की थी, अब लगभग 65 पे आई। मेरी ट्रेन क्यों नहीं 160 पे, 200 पे, 250 पे चलनी चाहिए? तो वो सोचने की तरफ प्रेरित करना चाहिए, होना शुरू हुआ है। परिवर्तन होगा, नए रोजगार सृजन होंगे, पुराने बंद होंगे, पुरानी फैक्ट्रियाँ ख़त्म होती हैं। कभी 500 टेक्सटाइल मिलें होते थे भारत में, कहाँ गए वो सब? क्योंकि सिस्टम बदल गया, पहले कपड़ा हर 4 महीने में फट जाता था, आज फटता तो है ही नहीं, और फटता है तो फटी हुई जीन पहनने का फैशन आ गया।
तो परिवर्तन है, परिवर्तन को हम देख भी रहे हैं, इसमें ठीक चीज़ें भी हो रही हैं, गलत भी हो रही हैं, परंतु ओवरऑल देश के अंदर एक विश्वास जगा है। आज लोगों को ये भरोसा है कि मेरा देश, अब पाकिस्तान मेरे से डर रहा है, चीन आंखें दिखाता था, डोकलम तक आया था, वापिस चला गया है, भारत के बांग्लादेश से संबंध हमारे बहुत बढ़िया हैं, जबकि इस्लाम के नाते तो उसे पाकिस्तान की तरफ जाना चाहिए। देश है पूरे, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हो गए हैं, तो यही सवाल पाकिस्तान का। अच्छा, सवाल इसलिए ना कि उसकी क्षमता है ना, हमने धर्म की बात ही नहीं की, हम कह रहे हैं इंसान इंसान है, हमारी संस्कृति क्या कहती है, गुरु नानक क्या कहे, मानव की एक ही जात है, तो हम उस पर चलने वाले लोग हैं, तो मुसलमानों के हम विरोधी तो नहीं है, तो मानो ना पैगम्बर साहब को, 1400 साल पहले तुम क्या थे ये भी भूल जाओ, याद रखो इस्लाम तो 1400 साल पहले आया, गुरु नानक 500 साल पहले आया, ईसा मसीह 2000 साल पहले, उससे पहले भी मानवता तो हजारों साल से है, तो हम सबको साथ लेके चलना, सबका विश्वास जीतना, ये एक मेन कुंजी है उनके पास, जो भगवान ने एक चाबी उनको दे दी है, जो हर समस्या का ताला खोल देते हैं, मास्टर की होते ना, तो वो उनके अपना कोई एजेंडा नहीं है। मोदी जी ना अपने परिवार की चिंता कर रहे, भाई भतीजे उनके भी बहुत हैं, मेरे ख्याल सारा कुनबा जिन्हें तो 500 का होगा आज भी उनका, पर किसी की हिम्मत ही नहीं कोठी पे आ जाए, कोई उनके नाम से कोई काम करे, सुना किसी का कोई वाड्रा, उनके यहाँ भी दामाद तो होंगे ना, उनके भाई के भतीजे, कोई किसी का नाम नहीं सुनते, क्यों, वो कठोर अपने ऊपर भी है, दूसरों के लिए। तो चाणक्य ने क्या कहा था, 2500 साल पहले विश्व को एक सबसे बढ़िया पुस्तक लिख के गए हैं, सब चीज़ों का सॉल्यूशन दे के गए हैं चाणक्य या कौटिल्य, वो मोदी जी ने पढ़ा है, उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, तो हमारे स्कूल कॉलेज में उसे पढ़ाया ही नहीं, ना आपको पढ़ाया ना मुझे पढ़ाया, यदि उनको हम पढ़ लें स्वस्थ कैसे रहना है, तो सबको योग सिखा दिया ना, हम दवाएँ बीमार ज़्यादा हों ज़्यादा दवाई बनाएं उसको प्रोग्रेस कहें, और हम के हमारी संस्कृति क्या है कि बीमार ही ना हो, बीमार ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, या बीमार हो के दवाई ज़्यादा कंज्यूम करें वो ज़्यादा अच्छा, प्रोग्रेस किसको मानोगे आप, ज़्यादा हॉस्पिटल खुलें ज़्यादा जेल खुलें वो देश के लिए अच्छा है, या ज़्यादा स्कूल खुलें ज़्यादा जिम खुलें ज़्यादा पार्क बने वो ज़्यादा अच्छा है। तो सही डायरेक्शन में जाना हो देश को, तो जिस दिन जेल बंद होनी शुरू हो जाए, जिस दिन हॉस्पिटलों की आवश्यकता कम हो जाए, जब इंसान सुखी होगा, और वो बड़ी ऊंची कल्पना लगती है आज, पहले यहाँ थी 1100-1100 साल पहले तक सबसे कम खून खराबा विश्व ने भी रिसर्च हुई है, भारत में 1200 साल पहले तक पूरे विश्व में भारत में सबसे कम खून बहा है, क्योंकि हम सबसे समन्वय करके चलने वाले लोग, अपने ऊपर विश्वास करके चलें, सबको समान भाव से देखेंगे तो कुछ झगड़े का कारण ही नहीं। यही बात देखिए, मोदी जी की सरकार चल रही है, भगवान उनको शक्ति दे रहा है, अब फिर नवरात्रि आएंगे थोड़े दिन बाद, फिर मोदी जी 9 दिन अपनी आराधना में भी रहेंगे, परंतु आराम नहीं करते, मतलब हम एक दिन व्रत रखते हैं तो उस दिन शाम आते आते लगता है कि लेट जाए, पर उसको कोई शक्ति माँ की हनुमान जी की है उसके पास, और हम सबको ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी वैसे ही काम करें, केवल रोटी खाना अच्छे कपड़े पहनना तो जीवन नहीं है, उसके आगे की सोचें, सबके भले की सोचें, और हमारे सारे संत जितने आए हैं, नॉन इस्लामिक नॉन क्रिश्चियन जितने भी धर्म आदि धर्म से हैं, वो सबको एक समान मानते हैं, वो कहते हैं सबको जीने का अधिकार है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, ये तो नहीं कहा कि केवल हिंदू सुखी हों या केवल भारतीय सुखी हों, सर्वे संतु निरामया, सब निरोग हों, सर्वे भद्रा निपश्यन्तु, सब के सब सब समान रूप से स्वस्थ रहें, सब मिलके रहें, मिलके संवाद करें, बहस करें, एक निर्णय पर पहुँचें, उसके बाद आगे बढ़ें।
ठीक है सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि देश की अर्थव्यवस्था को लेकर ही होगा, जिस तरीके से गिरावट दर्ज की जा रही है, क्या वो फैसले होंगे या जिसके चलते आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आए? क्योंकि अभी जिस तरीके से, खासकर मैं बिजनेसमैन की बात कर रही हूँ, जिस तरीके से GST लागू किया गया, जिस तरीके से टैक्स बढ़ाया गया है, तो उसको लेकर उनमें खासा नाराज़गी है कि किस तरीके से फैसले लिए गए हैं और बिजनेस कहीं ना कहीं ठप हो रहा है, तो उसके चलते आप क्या कहेंगे? कोई ऐसा फैसला नहीं लिया गया है, GST से रेट घटे, सर्विस टैक्स और 10-12 टैक्स मिला के जो रेशो थी, आज हाईएस्ट टैक्स लेव क्या है, 27%। जनरली 90% चीज़ें 18% 12% या एग्जेम्प्टेड है, ऊपर लग्जरी की आइटम रह गई 3-4, और मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने में 15% की एक दर आ जाएगी, जो 12-18 की, और ऊपर की केवल बड़ी गाड़ियों पर रहेगी। और वो सर्विस टैक्स अकेला 14% होता था, बाकी सेल टैक्स वैट इत्यादि अलग थी, इसलिए वो कोई बड़ा कारण नहीं है। उससे राहत मिली है, करप्शन रुकी है और रुकेगी, क्योंकि थोड़ी सी इनिशियल ग्लिचेज होती है जो टेक्निकल थे, वो सब चीज़ ठीक हो गई। बिजनेस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो बिना बिजनेस बिना इंडस्ट्री नहीं हो सकता। और आज 2 ट्रिलियन की संभाली थी मोदी जी ने, 3 ट्रिलियन है 5 साल में, और इस 5 साल में इसको 3 से 5 करना है, बड़ा टारगेट है, सबके सहयोग से पूरा होगा। नीतियों में जो कहीं कमी है वो ठीक की जाएगी, और मुझे लगता है कि आने वाले 2-3, ये जो फेस्टिव सीजन शुरू होगा नवरात्रि से दिवाली से, आप देखेंगे बिजनेस की रफ्तार डबल डिजिट ग्रोथ आई। अभी पुराने जो साल 6 महीने की जो 6, 6.5, 6, 7 की बातें, ये सब समाप्त होके हम, मुझे लगता है कि 7.5-8% की ग्रोथ के ऊपर आ जाएंगे, और 1.5 साल बाद ये 9 होगी, और 3 साल के बाद 10 होगी, और 10 की ग्रोथ आने के बाद आप देखेंगे गरीबी हटती चली जाएगी। और फिर एक बार जब मोमेंटम आ जाए, तो जब गाड़ी अपने तीसरे चौथे गियर में आ जाती है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती ना, 100 पे चलाओ 110 पे चलाओ, वो स्थिति निश्चित तौर पर आएगी। भरोसा रखें देशवासी भी, और उसके लिए हम सबको भी भरोसा, आज है प्रॉब्लम, बिजनेसमैन को अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा नए माहौल में। पहले खुलापन था, खूब 2 नंबर का काम होता था, अब 2 नंबर से 1 नंबर में आना कष्टकारक है, आदतें हम खराब हैं, ज़्यादा खुला खर्चा करने की सब चीज़ कंपनियों में डाल देते थे लोग, एक कंपनी में 10-10 गाड़ियां हैं, कंपनी घाटे में है, तो वो सरकार टेढ़ी निगाह देख रखनी चाहिए, उन पर रखनी है। अल्टीमेटली ये एक ट्रांजिशनल फेज था, मुझे लगता है कि इस दिवाली से देश में माँ लक्ष्मी की कृपा हम सब पर होगी। सर, जम्मू कश्मीर को लेकर तो फैसला हो गया कि 370 अनुच्छेद को खत्म कर दिया गया, लेकिन अब सवाल पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर भी उठ रहा है कि कई पार्टियां ऐसी हैं जो ये कह रही हैं कि अब उस पर भी फैसला होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में सरकार उसको लेकर भी कोई बड़ा फैसला लेगी? क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को लेकर अचानक से फैसला लिया गया, तो पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर आपका क्या मानना है कि सरकार आने वाले वक्त में क्या उस पर भी ऐसा ही फैसला लेगी और देश को एक बार फिर से चौंकाएगी? देश जितना यूनाइटेड होगा, सभी पार्टियों को डिमांड करनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अकेला क्यों, चीन ने भी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का आधा हिस्सा उसको दे रखा है। तो लोग, सभी पार्टियों को डिमांड करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी इसको भी आप करिए, प्रधानमंत्री जी उस उनकी डिमांड के बाद और मजबूत होंगे। तुम्हारी सेना एक सक्षम है, डिफेंस स्टाफ का पहली बार एक हेड बना रहे हैं हम, वो सब तैयारियां चल रही हैं। आखिर चीफ ऑफ स्टाफ ना हो जिस देश में, बरसों से कोऑर्डिनेशन ना हो, 15 अगस्त को घोषणा कर दी, मुझे लगता है 15-20 दिन तक उस पोजीशन पे एक आदमी आएगा। हथियार चाहिए थे, हथियार खरीद नहीं पाए थे पिछले 15 साल, हथियार धड़ाधड़ा, 20 तारीख को पहला राफेल आ जाएगा। अब ये सब तैयारी हैं, और शक्ति के बिना तो कोई दूसरा झुकता नहीं है, और शक्ति के लिए मन की भी शक्ति चाहिए, हथियार की भी चाहिए। तो हथियार हमारे देश में तेज़ी से बने, देश को रोकने वाली शक्तियाँ हैं। 3 दिन से हमारी सब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हड़ताल कराई है, किसने कराई? कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, सो कॉल्ड सोशलिस्ट लोगों ने 40 हमारी
ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, उनमें 3 दिन से हड़ताल क्यों? अगर देश को आगे बढ़ना है, शक्तिशाली बनना है, पीओके को वापस लेना है, तो हथियार के बिना तो नहीं ले सकते, और मन भी मजबूत चाहिए। तो मोदी जी नामुमकिन को मुमकिन करने की क्षमता रखते हैं, देश उनके साथ खड़ा है। अभी छुट भैये कुछ लोग पुराने आदतें छोड़ना नहीं चाहते, जिनकी आदतें खराब हैं, जिनके तार विदेशी उसमें जुड़े हुए हैं, जिनको अब कोई एक भी सांसद चुनने की स्थिति में नहीं हो। सीपीएम बंगाल में 0 है, परंतु आज भी नखरे वही हैं। तो सब ठीक होगा, समय लगता है। आखिर 70 साल की चीज़ों को ठीक करने के लिए 10 साल तो कोई ज़्यादा नहीं है। 2024 आते आते पीओके नहीं होगा, पर डिलिमिटेशन के बाद नई जो अभी चुनाव होंगे तो एक वर्चस्व तक उस लोगों टूटेगा। और मुझे तो लगता है कि पीओके के भी जो लोग हैं वो निर्वासित हैं, लंदन में रहते हैं और जगह रहते हैं, उनको प्रतिनिधित्व कश्मीर जम्मू कश्मीर विधानसभा में उन सीटों का जो खाली रखी हैं उनका मिल सकता है, दे देना चाहिए। और फिर एक विद्रोह वहाँ से होगा, इधर से हम घुसें। तो मुझे लगता है कि ये काम 24 घंटे का है, परंतु पहले पूरी तैयारी, उसके बाद बलूचिस्तान भी आज़ाद होना चाहता है, सिंध भी होना चाहता है। पाकिस्तान का वजूद केवल हमारी नफरत पर है, हमारा है सारा। पीओके क्यों? पाकिस्तान हमसे अलग किया गया ना, साजिश के तहत किया गया ना, एक दिन पहले किया गया ना, तो आज़ाद हम आज़ाद तो थे पहले भी, हमें तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर मिला। और पाकिस्तान और बांग्लादेश और कई देश और बनाने की साजिश थी, जो मंसूबे थे अंग्रेज़ों के, अमेरिका की शय थी। आज वो इंग्लैंड कहाँ है सबको पता है, इंग्लैंड की क्या स्थिति है। और हम फिर से ये जो दीवारें छोटी छोटी समाप्त हों, तो मैं तो कहता हूँ अखंड भारत का सपना गांधी जी का भी था, डॉक्टर मुखर्जी का भी था, दीनदयाल उपाध्याय का भी था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भी था सोशलिस्टों में। अब फिर से भारत पूरा एक हो जाए, 10 साल लगे, 15 साल लगे, 20 साल लगे, होगा। यदि हम आगे बढ़ेंगे तो जर्मन 2 एक हो सकते हैं, वियतनाम एक हो सकते हैं, कोरिया एक होने की मन उनकी इच्छा है, तो हम क्यों नहीं हो सकते? जिस दिन इस्लाम के लोगों को समझ में आ जाए कि 1400 साल पहले जितने महापुरुष थे वो हमारे भी थे, राजा दाहिर हमारे भी थे, राम हमारे थे, लाहौर लव ने बसाया था, कसूर कुश ने बसाया था, उन सबको पता है, ध्यान है, फिर से ध्यान दिलाने की ज़रूरत है। वो ये कहें कि राम भी महान थे, कृष्ण भी महान थे, मोहम्मद साहब भी महान थे, हमें क्या दिक्कत है? नई पीढ़ी को समझ में आ रहा है, पुरानों को भी आ जाएगा। अलग वेशभूषा, अलग दाढ़ी, लंबा कुर्ता, छोटा पजामा, टोपी गर्मी में भी लगाना, ये जो एक अपनी आइडेंटिटी रखने की, और आइडेंटिटी रख के केवल देश से अपने आप को अलग करने की जो मंसूबे कुछ लोगों के थे वो ठीक हो जाएंगे, सब चीज़ ठीक होंगे। सबको रोटी कपड़ा मकान मिले पहली ज़रूरत है, तो सबको छत मिल जाएगी 2022 तक, सबको भोजन मिल रहा है। आज भी 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो में चावल गेहूँ कितने लोगों को मिल रहा है, हम ये मीडिया नहीं बता रहा लोगों, लगभग 60% लोगों को 1 रुपये 2 रुपये किलो, जबकि मार्केट भाव 30 रुपये का है, सरकार दे रही है ना। तो ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, सबको पेट्रोल डीजल पूरा मिल रहा है। गाड़ियों की कभी पूरे देश के अंदर 1980 तक कितनी गाड़ी थी और आज कितनी गाड़ी, 1:100 का रेशो है, तो देश अफोर्ड कर रहा है। इस देश में बहुत क्षमता है, कभी इस देश में कुल 20 यूनिवर्सिटी होती थी, आज 700 हैं, 6.5 लाख गांव हैं इस देश के अंदर, और लगभग 4 लाख से ज़्यादा स्कूल हैं। और कमियां बताने लग जाएं तो 22 लाख टीचर और कांस्टेबल की पोस्ट खाली पड़ी है, और तो पैसा देश का बर्बाद किया गया, लूटा गया, उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं लगाया गया, वैकेंसीज खाली रखी गई। 10 लाख टीचर नहीं और फिर पढ़ाई बढ़िया कैसे हो जाएगी? अगर 10 लाख सिपाही लगने चाहिए पूरे देश में, तो रोज़गार 10 लाख लोगों को मिलेगा तो कितना काम चलेगा? क्यों नहीं भरी जा रही? क्यों? पैसा लुटाई में जा रहा था, अब रुका है, लगेगा। और पूरी चीज़ मीडिया के, इसको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सब
पॉजिटिव चीज़ें लोगों को भी बताए। कमियां तो बहुत हैं, कमियां बहुत ठीक हुई हैं, आज ईमानदार सक्षम लोग शासन में हैं, ये भरोसा ही बहुत बड़ा भरोसा होता है आदमी का। चीन की तरह यदि हमारे यहाँ चुनाव ना होते बार बार तो हम कितनी प्रोग्रेस कर लेते हैं, या कोई हर 6 महीने में चुनाव हो गया और चीन में कभी चुनाव भी नहीं है। पर तो मैं ये नहीं कह रहा कि चुनाव नहीं होने चाहिए, चुनाव होने चाहिए 5 साल में 1 बार। इसलिए मोदी जी की अगली कोशिश है एक देश एक बार चुनाव, एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक आधार कार्ड और उसके बाद एक वोट। बेईमान लोगों ने 6-6 जगह बनवा रखी है, ये सब समाप्त हो जाएंगे टेक्नोलॉजी से। इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट 2 ईयर्स, करप्शन टोटल रुकेगी टेक्नोलॉजी से। ऊपर ईमानदार हैं, नीचे हम सबको ईमानदार बनना पड़ेगा। और ईमानदारी केवल रुपए पैसे के नहीं, काम करना भी और ना करना, ना करना बेईमानी है, मैं ये मानता हूँ। आपको जो काम करना है, जो ड्यूटी है, वो अपने करें। फाइल किसी टेबल पे ना रुके 24 घंटे से ज़्यादा। जनता काम के लिए आती है, उसका काम तुरंत होने लग जाए, ये भी ईमानदारी। बेईमानी क्यों आती है? मैं काम को लटकाता हूँ, धक्के खिलाता हूँ, वो ढूंढता है किसी आदमी को 1000-2000 रुपये, 2000 काम कराओ। पर हैं सारी चीज़ें, चरित्र का निर्माण हो ये भी आवश्यक है, जो आज़ादी के बाद हमने भूल गए। हम केवल अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, कर्तव्यों को भूल गए हैं। इसलिए फिर से शिक्षा के माध्यम से हम ठीक करेंगे। आप सब लोग इसमें सहयोग दें, देशवासियों को पुनः कल भगवान कृष्ण की, कल और आज जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण आए जैसे गीता का संदेश दिया था और बदमाशों को ठीक किया था बिना हथियार चलाए, ऐसे आज फिर ये देश उनकी राह पर चलते हुए आगे बढ़े। शुभकामनाएं, जय हिंद। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए।